रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विशेष अनुष्ठान का दूसरा दिन आज, कल नासिक के पंचवटी से किया अनुष्ठान का आरंभ। पीएम 22 जनवरी तक हर दिन अलग अलग मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस में दो फाड़। अर्जुन मोढ़वाड़िया के बाद प्रमोद कृष्ण ने भी उठाए सवाल, कल लोकसभा चुनाव पर होगा इसका असर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई के आरोप में 12 लोग हिरासत में। बीजेपी ने पालघर से की तुलना, कहा बंगाल में हिंदू होना गुनाह है। पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, यह कितना दुर्भाग्य की बात है। ममता सरकार उनको गिरफ्तार करके तत्काल सजा दिलाए। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन्स, 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले 3 समन्स में ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। आज इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, बैठक की जानकारी देर से मिलने की वजह से नहीं लेंगे हिस्सा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक में शामिल होने पर संशय। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदान में ठिठुरन जारी, राजधानी दिल्ली में आज सबसे सर्द सुबह, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज। कोहरे की वजह से दिल्ली आने और जाने वाली 18 ट्रेनें देरी से और 108 फ्लाइटों पर असर। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक सुबह 11:30 बताया जा रहा है, यानी कि कुछ ही देर बाद इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक की शुरुआत होगी। कांग्रेस ने वर्चुअल बैठक के लिए गठबंधन से जुड़े हुए सभी दलों को शामिल होने को कहा है। कांग्रेस की मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश के मुताबिक इस बैठक में सीट शेयरिंग, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी और दूसरे कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इंडी गठबंधन के चेयरपर्सन और संयोजक पद पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है अभी फिलहाल नहीं की गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभिन्न राज्यों से बातचीत हो रही है और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश पार्टियों के साथ में गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी और इस बार जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है।